तो जी यहाँ मैं अपनी छोटी बहन की तरफ जा रही हूँ, बच्चे भी जा रहे हैं, अम्मी भी जा रही हैं। तो ये जी लाहौर का जो फेमस मशहूर रक्शा होता है ना, ओपन वाला, इसको तो लाहौर में वैसे चिंची रक्शा भी बोलते हैं। तो यहाँ हमने बस जैसे ही बाहर निकले, ये तो हर जगह पर खड़े होते हैं। अच्छा, जैसे ही मैं सिस्टर के घर पहुँची ना, तो सिस्टर बस खाना भी तैयार कर रही थी, बच्चों को भूख लग गई, जाते ही उनके लिए कबाब वगैरह बना दिए बहन ने। और जी साथ सिस्टर का ही फ़ोन आ गया था कि खाना आज दोपहर का मेरी तरफ होगा। तो यहाँ पर जी बहन ने फिर खाना बनाया। और अच्छा, जब बच्चों को पता होता है ना कि खाला की तरफ जा रहे हैं, तो फिर बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं ख़ास तौर पे ये जब मैं इनके दूसरी ड्राइंग यहाँ पे आती हूँ बैठक में, तो ये जो एरिया है ना खिड़की का, ये थोड़ा ना इधर से हवा भी आती है, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ ना आते ही ना, पहले तो असलान सोया हुआ था, उसको नींद आ रही थी, वो आते ही ना सो गया, क्योंकि गर्मी कुछ हो रही थी, और आते ही सो गया था, और साथ जैन भी सो रहा था, बच्चे सो रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब ठीक ठाक हैं, और अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे। अभी मैं आई हूँ अपनी सिस्टर के घर, और जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था ना कि मेरी सबसे छोटी वाली जो सिस्टर है ना, थर्ड नंबर वाली, तो वो थोड़ी अम्मी के घर के नज़दीक रहती है, तो उसके घर में बस आना जाना रहता है। तो ये मेरा सेकंड टाइम है जो मैं इसकी सिस्टर के घर आई हूँ। वैसे मेरी तीन सिस्टर और भी हैं, तो इंशाल्लाह उनके घर भी आहिस्ता आहिस्ता जाऊँगी। तो अभी मैं आई थी सिस्टर के घर, बच्चे भी आए हैं, अम्मी भी आई हैं, तो मैंने बोला चले जी आपसे सलाम नहीं ली, पहले सलाम ली जाए और फिर अपनी ब्लॉग स्टार्ट की जाए, घर में से जल्दी जल्दी निकले। और यहाँ पर अभी पहुँच गए हैं, और कुछ बच्चे आते आते देखे सो गए हैं, बच्चे भी सो रहे थे। यहाँ पे आके ना असलान को तो नींद आ गई थी, मासी के घर आके फ़ौरन वो सो गया, जैन भी सो रहा है, सिस्टर का बेटा सो रहा है, और लाइबा की, जैसे ना लाइबा की ना तीन दिन से तबीयत ख़राब हुई हुई है, लाइबा को चढ़ा हुआ है बुखार। लाहौर में तेज़ बारिशें हो रही हैं, और बारिशों की वजह से ना लाइबा को तीन दिन से बुखार चढ़ा हुआ है, और बारिशों की वजह से ना लाइबा बहुत ही यानी वीक यानी कमज़ोर हो गई है। उसके साथ रात को मैं इसकी दवाई भी लेके आई थी और सिरप लेके आई थी, तो इंशाल्लाह बस अल्लाह खैर करे, लाइबा बस दुआ करिएगा लाइबा ठीक हो जाए। तो बस अम्मी भी आई हुई हैं, अम्मी बैठी हुई हैं, अम्मी को भी नींद आई हुई थी, अम्मी सो रही हैं, बाकी सिस्टर खाना बना रही हैं जल्दी जल्दी। तो बस आपके साथ भी शेयर करते हैं, तो साथ ही जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और प्लीज़ जो वीडियो देखते हैं लाइक कर दिया करें, लाइक का कुछ नहीं जाता, कोई पैसे वगैरह नहीं लगते, और अगर आप लाइक करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और खुशी होती है बंदे को। अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, और चले साथ ही जुड़े रहिएगा। तो ना यहाँ बहन ने बनाया था आलू चिकन का सालन, और ना साथ खाना तो वैसे बच्चों ने आते खाया था, लेकिन ये फिर हमने शाम के टाइम खाया था, खाना खाया, और उसके बाद ना यहाँ पे ना शाम को हमने खाना खाया था। खाना खाने के बाद बस हम जा रहे थे घर अम्मी की तरफ, और यहाँ ना सिस्टर के बेटे ने ना जिद लगा ली कि ना मैंने भी साथ जाना, तो अहमद रोने लग गया। यहाँ पे ना बहन को पापा के साथ आना बाद में, ठीक है, मामा के साथ आना, पापा के साथ आना, आज चलो आज आज, अच्छा चलो आज आज आओ चले नानों के घर आज। तो बस जी यहाँ पे बस ये रोने लग गया कि जैसे, अच्छा लाइबा आई हुई है ना, इसके कज़न आए हुए हैं, तो इसके कज़नों के साथ इसका काफ़ी दिल लगा हुआ है। वैसे तो ये ना अपने कज़नों के साथ खेलता खूलता और खेलता भी है, और थोड़ा ना अपने कज़नों के साथ, यानी अब मतलब अभी छोटा भाई इसका जैन है ना, तो उसके साथ भी खेलता है, लेकिन वो भी छोटा है ना, तो लाइबा इसकी लाइबा इसके साथ ही, यानी इसकी हम उम्र है, तो लाइबा के साथ इसका, तो लाइबा के साथ ये खेल रहा था। और फिर जैसे इसने देखा ना कि खाला जा रही है और मेरे कज़न भी यानी बहन भी जा रही है, भाई भी जा रहा है, तो वैसे इसने भी फिर रोने लग गया कि नहीं मुझे भी जाना साथ। तो यहाँ फिर हमने फिर मैंने अपनी फूफो की तरफ भी जाना था, लेकिन फूफो की तरफ फिर ज़ाहिर है मेरा फिर प्रोग्राम नहीं बना, बच्चे साथ थे, तो फिर मैंने सीधा ही रक्षा करवाया और मैं घर आ गई। अच्छा जी ये नेक्स्ट डे है, दोपहर का टाइम था, यहाँ पे मैंने बनाया था बच्चों के लिए मैंने बनाया था ये चीज़, चने की दाल और इसमें एक अंडा, चने की दाल और अंडा था। अच्छा ये सालन ना बहुत मज़ेदार बनता है, अम्मी ने कई दफ़ा बनाया है, तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो बच्चों ने यही बोला जैसे नानो बनाती है ना चने की दाल और इसमें अंडा डाल के, तो ये मामा हमें बना के दें। यहाँ अम्मी ने दही भी जमाया हुआ था, दही भी मैंने लिया, और साथ ना यहाँ ऊपर से ना मुर्गियों की आवाज़ें आ रही थी, और साथ चावल बनाए थे, साथ ना ये भुना हुआ कीमा था, और अम्मी ने भुना हुआ कीमा, और साथ मैंने थोड़े से चावल ज़ीरे वाले बना लिए थे, और अम्मी असल में गई हुई थी बाज़ार गई हुई थी अम्मी थोड़ा सामान लेने घर का, तो मैंने फिर चावल बना लिए।
तो बस जी यहाँ अम्मी बाज़ार गई थी, मैंने बोला चले जी हम चावल बना लेते हैं और ना साथ ना फिर कीमा बुना हुआ पड़ा हुआ था अम्मी का। अच्छा यहाँ पे ना क्या हुआ कि ये जी मैं गई थी बाज़ार, मैंने अपनी चीज़ें ख़रीदी थी, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा बाज़ार की ना, बाज़ार की मैंने वीडियो नहीं बनाई, असल में ना लायबा की चप्पल नहीं थी। अच्छा लायबा का जो अहमद है ना, उसका कज़न, असल में माशाल्लाह उसके पास चप्पल है, तो आपको पता है चप्पल के ऊपर बच्चों के माशाल्लाह चप्पलों पे कार्टून बने हो तो बच्चों को बड़ी अच्छी ऐसी सैंडलें लगती हैं, चप्पलें लगती हैं, तो लायबा के पास चप्पल नहीं थी। लायबा ना उसकी चप्पल पहन लेती थी, लेकिन वो ना फिर उसको एक आदत है कि वो अपनी ना चीज़ें किसी से शेयर नहीं करता, तो फिर ना इसी तरह ये जब भी उसकी चप्पल पहनती थी ना तो वो रोने लग जाता था। फिर मैंने बोला चले मैं बाज़ार जाऊँगी, लायबा को भी ला के दूंगी। अच्छा यहाँ मैं लायबा को लेके तो नहीं गई थी, साथ मैं और अम्मी गए थे बाज़ार। बाज़ार की मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हम बाज़ार गए थे, बहुत रश था और वहाँ मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि मैं बाज़ार में वीडियो बनाऊं। तो यहाँ पे जी मैं लायबा की चप्पल लाई, ये मैं अपना बैग लाई थी, मेरे पास पर्स नहीं था कोई भी, बहुत मेरे पास फट गया था पर्स, एक किस्म का जिप्पे ख़राब हो गई थी, तो मुझे ये वाला बैग अच्छा सा लगा और बस ये कलर था मुझे अच्छा लगा था, ये वाला कलर, एक मैंने ये बैग लिया। और असलान के लिए मैंने एक निकर शर्ट ली, क्योंकि अम्मी यही मुझे कहती रहती है कि बच्चों को पेंटे नहीं पहनाओ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं ज़्यादातर बच्चों की ना पेंटे ही लेके गई थी, शर्टें लेके गई थी। अम्मी ये कह रही थी कि पेंटे शर्टें कम करो, निकरे बनाने लाओ, तो निकरे बने मैंने कम ही ख़रीदी हुई थी बच्चों की। यहाँ मैं बाज़ार गई, फिर मुझे सिर्फ असलान की निकर शर्ट मिली, सुफियान की मैंने कोशिश की, उसके साइज़ की नहीं थी ना मुझे मिली, अगर उसके साइज़ की भी मिलती मैं ले लेती। अच्छा यहाँ पे ना मैंने अपने आपको शूज़ भी मैंने लिए थे, ब्लैक वाले शूज़, ब्लैक वाला जो मैंने खुसा लिया था ना अपना, तो जैसे ही मैंने दुकान से लिया ना तो मुझे वो भाई भी कह रहा था कि बाजी ये वाला आप खुसा लें, ये आपके हर सूट के साथ चल जाएगा, आजकल फेमस हो रहा है ब्लैक शूज़, आपका हर सूट के साथ मैचिंग हो जाता है। तो बस मैंने अपना ब्लैक खुसा लिया, लायबा की चप्पल ली और एक पर्स लिया और बस लायबा। तो ये जी हम गए थे लाहौर की सबसे मशहूर फेमस जगह मनारे पाकिस्तान, और इसका भी ब्लॉग आपको नेक्स्ट मेरी वीडियो में मिलेगा इंशाल्लाह, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जो ख़तरनाक खेल था ना, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो जी ये नेक्स्ट मेरा ब्लॉग आएगा इंशाल्लाह, ज़रूर देखिएगा। और यहाँ से मैं अपनी वीडियो ख़त्म करूँगी, और यकीन है कि आज की मेरी ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा इंशाल्लाह। अब 7-8 दिन हमारे पास रह गए हैं, तैयारी भी करनी है वापस जाने की, और बस ये था मेरी आज का व्लॉग, और अपनी दुआओं में ख़ास तौर पे याद रखा करें, और बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपनी, और वीडियो अच्छा लगा करें लाइक शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।